प्यार एक आर्ट है और हम ठहरे कॉमर्स के स्टूडेंट। बाबूजी को पता था कि प्यार एक आर्ट है, उन्होंने जानबूझकर सीए का सपना दिखाया और कॉमर्स जहां कम रस होता है वहां पे एडमिशन कर। कंपटीशन पहले दिन से ऐसी कि पूछो मत। एक बड़ी सी तालाब में दो मछलियां, लो पकड़ लो सालों, पकड़ लो, दिखाओ पकड़ के। हाँ मतलब 156 लौंडे और 2.5 लड़कियां। 2.5 इसलिए कहा मैंने कि एक अल्टरनेट आती जाती थी और आपके भाई को ना वो अल्टरनेट वाली पसंद थी। वहीं में मेरा दोस्त पिंटू साइंस और कॉमर्स से डर कर आर्ट रखा। उसे देखकर ना जलन होता था, जलता था दिल यहां से। क्यों पता है? उसके क्लास में 40 लौंडे और 214 लड़के, मतलब साला एवरेज भी 5 से ऊपर का था। अपना तो 156 पिठाई। मैंने फर्स्ट ईयर में ना सिर्फ और सिर्फ गोल्डन रूल सीखा और कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि बाकी टाइम तो अल्टरनेट को फोकस करने में चला गया भाई वो ज्यादा जरूरी थी। 156 पे ढाए। मुझसे भी ज्यादा फोकस्ड लौंडे थे उस अल्टरनेट के पीछे। मैं तो उन लोगों के सामने ना हमेशा अपने आप को एक अभिनेता की तरह पेश किया और एक नेता की तरह ये उम्मीद रखा कि अल्टरनेट वाली मुझे ही वोट दे। कभी दोस्तों से मांग कर, कभी बाबूजी से छुपा कर, मैं अपनी पुरानी राजदूत लेकर कॉलेज जाया करता था और कोशिश सिर्फ ये रहती थी कि एक दफा वो मुझे बाइक चलाते देख ले। अगर देख ली तो अपना दिन बन जाता था भाई। लौंडा खुश, क्या खाएगा तू आज? लेकिन अगर नहीं देखी तो सूरज ढलने तक हम राउंड पे राउंड लगाते रहते। सिर्फ एक बात का डर रहता था कि साला कहीं पेट्रोल न खत्म हो जाए, वो भी तब जब वो मुझे देखेगी तो अपने इज्जत का एफलूडा हो जाएगा। क्या होगा? एफलूडा हो जाएगा। मतलब मेहनत तो पूछो मत, बस अपना टाइम याद कर लो। हम सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, साले कमरस वाले 156 पे ढाई। तो 12वीं का एग्जाम नजदीक आ रहा था। अब ये पता नहीं था कि जिस पे हमने 2 साल इन्वेस्ट किया है वो अगले साल कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, और इस बात से आपका भाई टेंशन में था। और मुझे टेंशन में देख मेरी मां टेंशन में आ गई। उसे लगा बच्चे का एग्जाम है इसलिए मेरा बेटा टेंशन में है। अब मां को ये बात कौन समझाए कि एग्जाम के अलावा भी और प्रायोरिटीज हैं लाइफ में। बेटा तुम्हारा जवान हो चुका है, कौन समझाए? मां लगी अच्छा अच्छा खिलाने, बस और क्या कर सकते।
खैर अब एग्जाम के लास्ट डे चलते हैं। अपन को इस बात का टेंशन रत्ती भर नहीं था कि आज के एग्जाम में क्या आने वाला है, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इस बात का टेंशन नहीं था। बस एक चीज डिसाइड कर लिया था कि आज आज कुछ भी हो जाए अपनी अल्टरनेट वाली से बात करनी है, करनी है भाई, बात तो आज करनी है। एग्जाम खत्म होने से हाफ एन आवर पहले मैं अपना पेपर सबमिट करके बाहर आ गया कि कहीं वो हमसे पहले निकल ना जाए। भाई 2 साल की मेहनत है, ऐसे कैसे जाने देंगे। वो एग्जाम खत्म होने के बाद आई, एकदम रिलैक्स थी, मेरी फटी पड़ी थी मेरी, और वो वहां छांव में भी छाते लेके खड़ी थी। एटीट्यूड देख लो, क्योंकि उन्हें पता होता है 156 पे ढाई। तभी मेरे बगल में एक लौंडा जो बहुत देर से खड़ा था उसने आवाज लगाया, वो दौड़ कर आई और हक की। मतलब अपनी किस्मत जैसे थी नहीं, उसे ही हक की। सोचो कैसा लगा होगा मुझे, मैं सोच रहा था आज स्माइल मारेगी, उसने तो साले मिसाइल मार दी। लेफ्ट 2 साल से मेरे बुक का कवर और बैग देख रहे थे, तू देखता रहे, तू इसी लायक है। मैं पटूंगी नहीं, मैं पलटूंगी भी नहीं, नहीं नहीं तेरे बस की बात नहीं। वैसे वैसे अब ये सब देखने के बाद कुछ पूछने को तो बचा नहीं था, फिर भी 2 साल का मेहनत था, ऐसे कैसे जाने देते। फिर से ना मैंने ट्राई किया, क्योंकि भाई आज अपना लास्ट डेट था। वैसे भी माल जो है ना रिजर्वेशन कोटे में जा चुकी थी, इस बार पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो गया था, इतनी तेज आवाज निकली, इतनी तेज आवाज निकली कि 100 मीटर तक सब के सब एक साथ मुझे देखने लगे, सिवाय प्रिया के, क्योंकि हेडफोन लगा रखे थे। कहा ना अपनी किस्मत थी, ऐसे ही टाइम पे कभी भी साथ नहीं देता, कभी नहीं। हाँ वो घोंचू मुझे आंख फाट कर देख रहा था, किस्मत देखो, देखना किसे तो देख पाओ, ऐसा ही होता है। अब हेल्थ वाइज हम दोनों एक जैसे थे, मैं और घोंचू, तो ज्यादा दिक्कत था नहीं मुझे, दो लगाएगा तो तू दूंगा नहीं। उसने कुछ तो प्रिया से कहा, पता नहीं क्या कहा। प्रिया अपने दाएं बाएं देखी, सब लोग हमारे पे नजरें टिकाए खड़े थे। फिर मेरी और प्रिया की नजरें मिली, 2 सेकंड नजर मिलने के बाद मैंने अपनी नजर नीचे कर ली, फिर मैं बाईं तरफ देखने लगा। बाईं तरफ एक बंदा ऐसे खड़ा था, उसके हाथ में आइसक्रीम था जो पिघलकर नीचे गिर रहा था। उसे देखकर इतना गुस्सा आया ना मुझे, इतना गुस्सा आया ना जितना कि घोचू पे नहीं आया था। मन तो कर रहा था कुछ धुएं से, पर समय सही नहीं था,
अपने आप को कंट्रोल करें, कंट्रोल किया। तब तक प्रिया आ गई। मुझे तो प्रिया प्रियंका चोपड़ा ही लगती थी, वो भी डॉन वाली जंगली बिल्ली। बोली हाँ बोलो। मैंने कहा 2 मिनट तुमसे बात करना था अकेले में। उसने कही क्यों, सबके सामने फटती है? मैंने कहा हाँ कुछ ऐसा ही है। उसने कहा सॉरी, बिल्ली पलट गई। दिल से आवाज आया उस टाइम, भाई संभाल लो अपने आप को, भाई संभाल लो अपने आप को, हाथ से निकल चुकी है छुरी, जाने दे। 7 साल बाद फेसबुक पे अपडेट की, हैशटैग भाई की शादी, वही लौंडा दिखा, भाई था उसका। खामखा मैंने सब किया, 2 साल की इन्वेस्टमेंट थी चली गई। लेकिन अगर आर्ट से होता तो बेंचुत ऑप्शन तो होता, अपने को भी एवरेज 5 मिलता, 156 पे 2.5 तो नहीं मिलता, और 5 मिलता तो एक ना एक टिक ही जाती है, टिका लेता, 5 में एक तो टिका ही लेता। Thank you.